एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, क्वेश्चन मज़ेदार है, सब सारे क्वेश्चन की अपेक्षा डिफरेंट है। दो भवन है भैया, हमेशा उन्नयन कोण की बात की गई थी अभी तक, अब अवनमन कोण की बात कर रहे हैं। यहां देखना, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण कैसे, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अरे भाई, दोनों भवन क्या है, जमीन पर खड़े। दोनों भवन क्या है, जमीन पर खड़े। एक तो कैसा है, बहुमंजिला, यानी कि ज़्यादा ऊंचा है, और एक क्या है, एक क्या है, छोटा भवन है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भवन होगा जो कि छोटा होगा। छोटा बना देता हूँ मैं, ये बना दिया मैंने छोटा। कितना ऊंचा, छोटा है, 8 मीटर ऊंचा है। तो ये वाला जो भवन है वो कितना है, 8 मीटर ऊंचा है। देखिए ये क्या है, 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऐसा। अब देखिए, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, अरे भाई कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ से देख रहा, शिखर से देख रहा, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का, देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा, कहाँ पर, यहाँ पर देख रहा है, और यही से, इसी बिंदु से शिखर को भी देख रहा और इसके तल को भी देख रहा। ये जो छोटी छोटा भवन है ना, उसके शिखर को भी देख रहा और नीचे भी देख रहा। तो अवनमन कोण की बात की है। अवनमन कोण कैसे बनता है हमेशा, अवनमन कोण कैसे बनता है हमेशा, यहाँ से बनेगा। कहाँ से, यहाँ से, देखिए यहाँ से। जब उसके शिखर को देखता है, जब उसके शिखर को देखता है तो कितना बनता है, छोटा बनेगा, कितना, 30 अंश का। और जब पाद को देखता है नीचे की ओर तो बड़ा बनेगा, 45 अंश का। ऐसे कौन बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर त्रिभुज कहाँ पर बन रहे हैं भाई, तो त्रिभुज कहाँ पर बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी के समांतर यहाँ पर एक भुजा बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं हम। एक तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिखाया, इसी के समांतर बना दिया मैंने, इसको इससे मिला दिया। यहाँ पर देखना, एक समकोण त्रिभुज तो बन गया, ये वाला बना गया, हाँ बना ना यहाँ पर। और दूसरा समकोण त्रिभुज कहाँ पर बन गया, दूसरा समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला और ये वाला, ऐसा बना ही नहीं, दो समकोण त्रिभुज बन गए और कोई नहीं बन रहा इसमें, समकोण त्रिभुज बस ये दो ही बन रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आपको मालूम है कि कोई भी दो समांतर रेखाएं होती है और इसको तिर्यक रेखा अगर इस प्रकार से काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण होते हैं। तो इसी प्रकार की स्थिति बन रही है यहाँ पर, ये वाली और ये वाली भुजा कैसी समांतर और ये वाली इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 30 अंश का कोण है, तो ये वाला भी कोण कितना बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा, बनेगा। देखना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है, और ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये 45 अंश का है, तो ये भी क्या होगा, 45 अंश का कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं 45 अंश का कोण, क्लियर। ये 90 अंश का कोण बन रहा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये वाला बन रहा है यहाँ पर, और दूसरा समकोण त्रिभुज यह वाला बन रहा, बस हो गया काम। ठीक, अब देखिए, जो बहु इमारत है उसका नाम दे देता हूँ मैं, ये क्या है, ए बी, और जो छोटी छोटा भवन है उसका नाम सी डी नाम दे देता हूँ।
इसका नाम बीच में ब्रेक हुआ, ये तो डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, पहले तो ये बात देखिए, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, ये वाली। तो जो ज्ञात करना है उसको एच मीटर मान लेता हूँ, ऊंचाई है ना एच मीटर, और दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी देखना, यहाँ से ये इसको डी मान लेता हूँ मैं, दूरी है ना, डिस्टेंस है, तो डी मान लिया मैंने, छोटा डी, डी मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में दिया तो पूरे को मीटर में ही मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो जो जो काम किया हमने वो सारा काम लिख देते हम। माना, माना बहुमंजिल, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ए बी बराबर से एच मीटर मान लिया हमने, और जो छोटी इमारत है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर ही दिया हुआ है। जो एक भवन है कौन सा, एक अन्य भवन, अन्य भवन की ऊंचाई कितनी है, सी डी बराबर से 8 मीटर, इतना हमने यहाँ पर ले लिया, क्लियर। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों भवन के बीच की दूरी बी डी बराबर से कितना है, डी मीटर, दोनों भवनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, बी डी बराबर से डी मीटर। चलिए ठीक है, इतना भी हो गया। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली और ये वाली, ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली और ये वाली ऊंचाई बराबर होगी क्या, हाँ होगी ना, होगी कि नहीं, तो ये 8 मीटर है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा यहाँ तक का। जब ये 8 मीटर है, ये पूरा एच है, एच में से 8 को घटाया तो ये कितना बचेगा, एच ऋण 8 मीटर, आ गई बात समझ में, ये वाला मतलब ये पूरा एच है, उसमें से इतना घटा दो तो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी क्या जरूरत पड़ेगी हमें, देखिए जब समकोण त्रिभुज ये वाला है कि नहीं है, तो इस भुजा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इस भुजा को निकालना पड़ेगा, और इस भुजा की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये डी है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो इसको भी, ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी मीटर, ये हो गया, क्लियर। अब बी डी बराबर से क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, बी डी बराबर से सी ई, सी ई है ना, हाँ, और बराबर से क्या है, डी मीटर है, तथा ये क्या हो जाएगा, सी डी बराबर से ई बी हो जाएगा, सी डी बराबर से बी ई, और ये कितना है, 8 मीटर हो जाएगा। तब ए ई बराबर से क्या होगा, तब ए ई बराबर से ये पूरे में से, मतलब बी ए बी में से, ए बी में से घटाना पड़ेगा हमें बी ई बराबर से एच ऋण 8 मीटर, इतना आ गया, ठीक। हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेते, पहले छोटा वाला ले लेते या बड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में, दो बार करना पड़ेगा ना, दो समकोण त्रिभुज बने हैं, ए बी डी में, और इस समकोण त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर से क्या हो जाएगा, लंब कोण है ए बी और आधार कोण है बी डी, ये क्या है, 1 = ए बी का मान कितना है, एच, और ये कितना है, डी है, ये कितना है, डी, और इसका तिरेक गुना होगा तो डी इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, इसको चाहो तो आप समीकरण 1 दे देना। पुनः
समकोण त्रिभुज, छोटा वाला ले लो, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए ई सी में, ए ई सी में। और इस समकोण त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, टेन थर्टी डिग्री, टेन थर्टी डिग्री। लंब क्या है, ए ई, और आधार कितना है, सी ई या ई सी हो गया। टेन थर्टी डिग्री का मान क्या था, वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री, और बराबर से ए ई का मान कितना है, एच ऋण आठ, और इसका मान कितना है, डी ए, ये हो गया। अब देखिए डी का तिरेक गुना होगा इधर जाएगा, बराबर से इसका तिरेक गुना होगा तो इधर जाएगा, एच ऋण आठ और रूट तीन, ऐसा हो गया कि नहीं। तिरेक गुना ये ऊपर गया और इधर से ये इधर चला गया, डी बराबर से, डी बराबर से इसका अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच रूट थ्री माइनस आठ रूट तीन, इतना हो गया। आप देखिए ना, डी का मान निकलना है, निकलना है डी का भी मान निकलना है, लेकिन डी का मान और एच का मान तो बराबर है, इसकी ऊंचाई भी उतनी ही है जितनी इसकी दोनों भवनों के बीच की दूरी है। यहाँ पर पता चला ना, डी बराबर से एच है। हम क्या करते हैं, डी का मान इसमें रख देते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक में डी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर से एच रूट थ्री माइनस आठ रूट तीन, इतना हो गया। ये आठ रूट तीन उधर जाएगा तो ऋण है तो धन हो जाएगा, और एच इधर आ जाएगा। देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, एच रूट थ्री माइनस एच और बराबर से आठ रूट तीन, क्या हुआ, ये उधर चला गया और ये इधर आ गया, ऐसा। इसमें से एच कॉमन निकल रहा तो क्या हो जाएगा, रूट तीन ऋण एक, और इसमें से क्या हो गया, एच कॉमन निकल गया तो ये क्या हो गया, आठ रूट तीन हो गया। क्लियर, रू ये नीचे चला जाएगा तो एच का मान कितना आ जाएगा, आठ रूट तीन बटे रूट तीन ऋण एक, ठीक, इतना हो गया। अब देखना, कभी भी क्या होता है कि हर में वर्गमूल वाली संख्या नहीं रहना चाहिए, चलिए ठीक है। तो यह चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आठ रूट तीन बटे रूट तीन ऋण एक। जब भी हर में वर्गमूल वाली संख्या आती है तो क्या करना चाहिए, परिमेयकरण कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस वन। देखना परिमेयकरण क्या होता है, जो भी संख्या है उसका बीच वाला चिन्ह क्या कर दिया जाता, बदल दिया जाता, ऋण है तो धन का ऊपर नीचे ऐसा गुना कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी बन जाता है फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर ऋण एक, और आठ रूट तीन और रूट तीन धन एक, इतना हो गया। अब देखिए यह चीज इक्वल टू, इसका अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ गुणित रूट तीन गुणित रूट तीन, और धन क्या हो जाएगा, आठ रूट तीन बटे कितना हो गया, वर्गमूल तीन का वर्ग कितना हो गया, तीन ऋण एक, तो बराबर से हो गया, ये तो आठ थी या चौबीस, या तो ऐसा भी लिख सकते आठ गुणित तीन, आठ गुणित तीन धन आठ रूट तीन बटे कितना हो जाएगा, दो। आठ दोनों में से, एट दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो एट बाहर निकल गया, और यहाँ क्या बचेगा, थ्री प्लस रूट थ्री। और आप देखेंगे कि दो से बटे दो, तो आपने यहाँ देखा कि यह बराबर से क्या हो जाएगा, दो से ये चार बार कैंसिल हो गया तो चार और थ्री प्लस रूट थ्री मीटर, इतना आ गया। मतलब जो भवन की ऊंचाई है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, वो कितनी है, एच थी, तो एच का मान हमारे पास आ चुका है। चूंकि एच बराबर से क्या है, एक्स है, समीकरण एक में, ठीक है, अतः अतः बहुमंजिला भवन, बहुमंजिला भवन तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी होगी, बराबर से चार
तीन धन रूट तीन मीटर होगी। बस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए और एक बार समझ लेते हैं, देखना। लेकिन पहले पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, एक बहुमंजिला इमारत थी, एक छोटी इमारत है। बहुमंजिला भवन से इमारत के सिरे से देख रहे इसको, तो यहाँ पर अवनमन कोण और यहाँ पर अवनमन कोण कितना है, 30 और 45 अंश का है। इसका मतलब ये वाला 30 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 अंश, ये 45 अंश है तो ये भी हो जाएगा 45 अंश। क्लियर। अब देखिए इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी 8 मीटर होगा। पूरे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हमने मान ली एच मीटर है, ये वाला एच मीटर मान लिया, ठीक है। अच्छा, ये एच मीटर मान लिया हमने। अब देखिए ये 8 मीटर है तो ये कितना होगा, पूरे में से 8 को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा आपके पास। भाई पूरे में से इतने को हटा देंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं, तो एच में से 8 को घटा दिया, ठीक है। अब देखिए ये डी है ऐसा हमने मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस अब हो गया काम। सबसे पहले हमने ये बड़ा त्रिभुज लिया, ये भुजा मालूम है, आधी दूधी मालूम है, और ये ज्ञात करना है। तो इस भुजा के अपान में ये भुजा, क्योंकि इसकी तो कोई बात ही नहीं की है। तो ये दो भुजा काय में होती है, टेन के सूत्र में होती है। टेन 45 अंश का मान क्या होता है, एक होता है, एच बटे डी, तो डी बराबर से क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा ये वाला त्रिभुज लिया हमने, इस त्रिभुज में ये भुजा के बटे ये भुजा, यानी कि एच बटे एच ऋण 8/d बराबर से 30 डिग्री, देखिए टेन 30 डिग्री, ठीक है। तिरे गुना किया हमने इस प्रकार से, और d का मान h रख दिया, देखिए d का मान h रख दिया, इसको उधर ले गया, इसको इधर लाया, ये आ गया, h कॉमन निकाला तो इतना आ गया, वर्गमूल 3 ऋण 1 का तिरे गुना किया, इतना आ गया नीचे। कभी भी वर्गमूल में नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो यहीं पर h का मान आ गया था आपका, तो परिमेयकरण कर दिया ये, इसका अंदर गुना किया, ये हो गया। और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, इसका अंदर गुना किया ये हो गया, और इसमें भी गुना किया तो इतना आ गया। अरे 3 ऋण 1, नीचे 2 बज गया, यहाँ पर 8 3 24 हो गया, है ना, या तो 8 × 3 और इतना हो गया, दोनों में से 8 कामन निकल रहा तो इतना हो जाएगा, यहाँ पर इतना बच गया डिवाइडेड बाय 2 से ये 2 4 बार कैंसिल हो गया तो इतना आ गया। क्लियर। आप चाहो तो √3 भी कामन निकाल सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। चूँकि आपको मालूम था कि दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि डी और भवन की ऊंचाई कितनी है, एच है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा हमने यहाँ पर कर लिया समीकरण 1 से। Thank you.